सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज फिर आ चुका हूँ एक न्यू यूट्यूब वीडियो के साथ, और आज की भी जो वीडियो है वो भी बड़े ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज का भी जो प्रोडक्ट है वो भी विंटर के लिए ही है, सर्दियों के लिए ही है। और बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हैं हमारे प्रोडक्ट जो हैं गैस गीजर्स। अब भाई आगे यूज़ पड़ने वाला है इनका, क्योंकि गर्म पानी के लिए हमें गैस गीज़र तो चाहिए ही। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारा गैस गीज़र है वो है पद्मिनी का। पद्मिनी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये पद्मिनी का पहला हमारा गैस गीज़र है यहाँ पर, जिसका मॉडल है फियोरा, और इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है पद्मिनी एशेंटियल इंस्टेंट गैस वाटर हीटर। तो अभी हम इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, और साथ में ये है हमारे पास ओरिएंट का गैस गीज़र, इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये भी पूरा इंस्टेंट गैस वाटर हीटर है 5 ईयर वारंटी के साथ, जिसका मॉडल है बाहुबली। जी फ्रेंड्स, इसका मॉडल बाहुबली है। और अभी इन दोनों की मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो अभी फाइनली जो रिवील मैंने किया है इनकी अनबॉक्सिंग करने के बाद, तो सबसे पहला यहाँ पर मैं आपको ओरिएंट का ही गैस गीज़र दिखा देता हूँ, वो है यहाँ पर। ये देखो, ये ओरिएंट का हमारा गैस गीज़र है। पहले आप इसे पूरे अच्छे तरीके से आगे से, साइड से और पीछे से भी देख लो, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है पूरा। अभी यहाँ पर कुछ 3 वॉल्यूम्स आती हैं, 3 बटन आते हैं यहाँ पर, जो है एक विंटर एंड समर। गाइस, आपको इसे सर्दियों में अगर करोगे तो इसे विंटर पर सेट कर रखना है। दूसरा है यहाँ पर वाटर फ्लो के लिए, जो मैक्स एंड मिनी होता है, यानी कि आप कितना तेज़ पानी लेना चाहते हो, तो इसे तो हमेशा आपको मैक्स पे ही रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और तीसरा आता है यहाँ पर गैस फ्लो, जितनी गैस फ्लो बढ़ाओगे उतना ही गर्म पानी यहाँ से आएगा, तो उसको भी आप मीडियम रखो भाई, फुल कभी मत करो, नहीं तो काफ़ी सारा हीट, बहुत गर्म पानी इसमें से निकलता है। और अभी नीचे यहाँ पर इसके पूरे कनेक्शंस हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये इसका बटन वगैरह है, देखो आप। और अभी यहाँ पर एक चीज़ है, ये जहाँ पर लगता है सेल, गाइस इनमें लगते हैं यहाँ पर सेल, और यहाँ से आपके पाइप वगैरह के कनेक्शंस फिट होते हैं, इन्हीं की मदद से वो वहाँ पर लगते हैं। अभी इस पर एक वार्निंग भी दी हुई है, वार्निंग क्या है मैं वो बताता हूँ। वार्निंग है फॉर यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज ओनली। अभी भाई क्या है, कुछ लोगों के घर पे चलते नहीं है, तो वो क्यों नहीं चलते मैं बताता हूँ। जैसे आपने बाथरूम में इसे लगाया और जस्ट बाथरूम के ऊपर टैंक है, तो वहाँ पर ये काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसे चाहिए प्रेशर, और अगर इसे प्रेशर ही नहीं मिलेगा तो ये आपको पानी ही नहीं देगा। हाँ, ऐसे चल सकता है, ऐसा आपका बाथरूम है और दूसरी तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर आपका टैंक रखा है, तो आप इसे मज़े से लगाओ, प्रेशर बहुत अच्छा देगा और आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो ये हमारा ओरिएंट का गैस गीज़र हो गया यहाँ पर, इसको रख देते हैं साइड में। और अभी है हमारा पद्मिनी एशेंटियल, जो कि है यहाँ पर। ये हमारा पद्मिनी का पूरा गैस गीज़र है। ये ओरिएंट से साइज़ में छोटा है, ओरिएंट से लगभग 4 इंची साइज़ में ये छोटा है। तो अभी आप इसको आगे से, साइड से और पीछे से देख लो, तो ये दिखता है कुछ ऐसा। और अभी यहाँ पर भी 3 की 3 बटन हैं। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो बटन है वो है विंटर एंड समर का, जिसे हमेशा विंटर पे ही रखना है। और दूसरा आता है यहाँ से वाटर फ्लो एडजस्टमेंट, जिसे मैक्स पर रखो या फिर मीडियम पर रखो, मीडियम से नीचे नहीं रखना है। फिर है गैस फ्लो, इसे तो भाई हमेशा मीडियम पर रखना है, मीडियम से ऊपर मत ले जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट देगा और गैस भी आपकी काफ़ी सारी यूज़ हो सकती है, तो आप अगर इसे करते हो तो अपने रिस्क पर यूज़ करना। और साथ में यहाँ पर जो वार्निंग लिखी हुई है वो भी सेम है जो ओरिएंट गैस गीज़र के ऊपर वार्निंग लिखी थी,
फॉर यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ ओनली, यानी कि जहाँ से हवा वगैरह पास होती हो, ऐसी जगह में आप इसको मत लगाओ जहाँ से बिल्कुल हवा पास ना होती हो, क्योंकि भाई ये छोड़ता है धुआं, मतलब जो गर्म पानी होता है तो हल्का फुल्का धुआं तो छोड़ता ही है, तो इसी वजह से ऐसी जगह पे इनको लगाना चाहिए जहाँ से धुआं वगैरह बाहर चला जाए। तो अभी यहाँ पर इसके भी कनेक्शंस ये हैं, ये देखो, ये भाई वाटर इनलेट, गैस इनलेट सब यहीं पर है। और अभी यहाँ पर है इसका ये सेल, ये देखो, इसमें भी सेम ऑप्शंस हैं जो ओरेंट वाले में थे, और बाकी यही हैं इसके सारे कनेक्शंस जिनसे आप इसे प्लम्बर से फिट करा सकते हो। और अभी बात करते हैं कि भाई गैस सिलेंडर जो होता है कितने दिन में इससे ख़त्म हो सकता है। तो भाई अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है, 5-4 लोगों की फैमिली है, तो आप एक सिलेंडर से पूरा सीज़न निकाल सकते हो जी, सिर्फ एक सिलेंडर, बट शर्त वही होगी गैस फ्लो को आपको मीडियम पर रखना होगा, और पूरा एक सीज़न आप सिर्फ एक सिलेंडर में ही निकाल सकते हो। तो अभी यहाँ पर जो ओरिएंट का हमारा गैस गीजर है, उसका नेम गैस वाटर हीटर एंड मॉडल नेम है ओरिएंट बाहुबली, और जो मॉडल मतलब सीरियल वाइज में आता है मॉडल, वो है GW BB06 VMLM, और टाइप ऑफ गैस तो LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं कि भाई अगर इनको परचेज करना है तो क्या टर्म रहने वाली है। तो सबसे पहली बात तो दोनों ब्रांड हैं, तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपने लोग नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों प्रोडक्ट के लिंक हैं, परचेज लिंक, जिन्हें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर जो हमारा पद्मिनी वाला गैस गीजर है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो प्रोडक्ट नेम इंस्टेंटेनियस डोमेस्टिक LPG वाटर हीटर, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड LP गैस प्रेशर 2.942 kNm², कम से कम गाइस इसे इतना प्रेशर चाहिए। इसीलिए अगर आपके बाथरूम के जस्ट ऊपर टैंक रखा हुआ है तो भाई इसको मत लगाओ, आप गैस गीजर लगाओ। और उसके बाद में यहाँ पर जो हीट इनपुट है वो है 10 kW, गैस कंसप्शन 787 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पर जो फ्लो रेट है वो है 3.8 L/min, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो भाई गैस गीजर्स के ऊपर लिखा आता है 6 लीटर 7 लीटर, तो कोई लोग समझते हैं कि भाई अपने अंदर ये पानी स्टोर करते हैं इतना, या फिर मतलब 6 लीटर 7 लीटर क्या मामला है इसका। तो भाई 6 लीटर 7 लीटर की कैपेसिटी के हिसाब से इनको बनाया होता है, इनके अंदर पानी जो है स्टोरेज नहीं होता पानी का, मतलब जो इसका टैंक होता है पूरा अंदर से उसकी कैपेसिटी आपको बताई जाती है, नहीं बताया जाता कि वाटर टैंक है इसका इतना। और इसमें यहाँ आपको जैसे आपने पानी चलाया तो साथ के साथ गर्म कर कर देता है, कोई स्टोर इसके अंदर पानी नहीं होता, पानी सिर्फ जो स्टोर होता है वो होता है लाइट गीज़र के अंदर। तो लाइट गीज़र वाली भी वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, आपको उसको भी देखना होगा। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो ताकि आपको मेरी एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।